हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पीसी या कंप्यूटर में कोई ऐसा फोल्डर होता है जो बहुत बार डिलीट करने के बाद भी नहीं डिलीट होता है। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे एक फोल्डर है, देखिए यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं फिर भी ये ट्राई अगेन कर रहा है, यानी कि कितना बार आप ट्राई करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। और इधर में लिख के आएगा फोल्डर एक्सेस डिनाइड। तो दोस्तों, इस फोल्डर को हम लोग कैसे डिलीट करें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोल्डर पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे ऑनर होगा। ऑनर का ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा चेंज। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको नाम चेंज करना है। जैसे कोई सा भी नाम आप यहाँ पे लिख देंगे और चेक नेम्स पे आप क्लिक कर देंगे। चेक नेम्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट उसके ओके दबा देना। ओके दबाने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर देंगे और ओके दबाएंगे। फिर यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे एक बार और ओके करेंगे। फिर दोबारा इस फोल्डर पे जाके और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में जाके यहाँ पे दूसरा काम करना है कि आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ए प्रिंसिपल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। उसके बाद से चेक नेम्स पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फुल कंट्रोल, यानी कि आपके पास पूरा परमिशन दे देगा फुल कंट्रोल का। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स और भी, यानी कि यहाँ पे ट्रिक का निशान लगा के और अप्लाई करेंगे। फिर यस कंटिन्यू। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डिलीट का ये ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। देखिए फोल्डर क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लैपटॉप से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।